भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए रामनगरी अयोध्या दोनों देशों के बीच सेतु बनने जा रही है। दरअसल श्रीलंका की अशोक वाटिका से पवित्र शिलाएं रामनगरी अयोध्या में लाई जाएंगी। श्रीलंका के राजदूत, उपराजदूत और दो मंत्री इन शिलाओं को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इन शिलाओं को राम मंदिर को समर्पित किया है। इस दौरान श्रीलंका से आए डेलीगेशन ने रामलला के दर्शन भी किए। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं साधु संतों ने भी लंका की अशोक वाटिका से पवित्र शिलाओं के लाए जाने पर खुशी जाहिर की है। ये तो परम सौभाग्य की बात है, माता जानकी जी जब वहाँ रही और वहाँ से आई, आने के बाद वहाँ के लोग ये धार्मिक जो परिधि जोड़ रहे हैं, ये प्रणय सूत्र जो बांध रहे हैं, ये तो बड़ी परम सौभाग्य की बात है हम सभी अयोध्यावासी के लिए, समस्त देशों के लिए। ऐसा सूत्र जा रहा है कि समस्त देश एक हिंदू धर्म में और एक जो है सनातन धर्म में बंध रहा है, इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, अयोध्या के लिए अति खुशी का विषय है। वहीं उप उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने बताया कि श्रीलंका और भारत के बीच आज नए सिरे से धार्मिक कड़ी जुड़ गई है। उन्होंने बताया कि जब राम मंदिर के निर्माण के बारे में श्रीलंका के सीता माता मंदिर को पता चला था, तो उन्होंने राम मंदिर को कुछ पवित्र चीजें समर्पित करने का फैसला किया था। इस आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत बड़ा कदम है ये रिश्ते बढ़ाने के लिए। हमने ये शिला आज समर्पण की है, तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है हमारे रिश्ते में। श्रीलंका के जनता से भारत के जनता को ये समर्पण हुआ है, तो आज ही बहुत कोलैबोरेशन है भारत और श्रीलंका के साथ कई क्षेत्रों में, बहुत क्षेत्रों में। ये हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी या नहीं बल्कि पड़ोसी नहीं, ये रिश्ता है ना। सो इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत डेवलपमेंट कोऑपरेशन है। हाँ, वो श्रीलंका के ये सीता माता टेंपल के सीता माता मंदिर के एक ट्रस्टी बोर्ड है, उन लोगों ने ये सोचा था पहले, उन लोगों ने ये पहले सोचा था कि ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो इसको कुछ समर्पण करना है, कुछ योगदान देना है। सो इसीलिए उन लोगों ने सोचा, और जब उच्चायुक्त महोदय ने यहाँ आने का समय उनसे मांगा कि आप ये लेके अयोध्या के ले जाना, तो पहले वो हवाई जहाज से यहाँ आया था, और हम आज ये सवारी, ये यात्रा, हम कल रात रेलगाड़ी से दिल्ली में आए थे, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हुआ था मॉर्निंग में, तो हम रेलगाड़ी से रात भर गुजार के यहाँ आए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण था हमारे लिए ये कर्तव्य। आपको बता दें कि रामायण में अशोक वाटिका का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सीता माता का हरण करने के लिए रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में ही रखा था। अब उसी अशोक वाटिका से शिलाओं को अयोध्या लाया गया है, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा। फिलहाल राम मंदिर नींव का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, अब प्लिंथ का निर्माण कार्य 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय कह चुके हैं कि दिसंबर 2023 तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।